महिला पहलवानों के खुलासे के बाद से हर किसी की नजरें सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह पर बनी हुई थी कि क्या सचमुच ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहां पर लड़कियों के साथ ऐसा कुछ किया है जो विनेश और साक्षी मलिक बता रही हैं, जो बजरंग पुनिया यहां पर खुलासा कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होता नजर आया। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा विनेश और तमाम बाकी महिला पहलवानों ने कुछ कोच पर भी यह आरोप लगाए कि उन्होंने भी बंद कमरे में लड़कियों का शोषण किया है। जी, आप सभी को बता दें कि विनेश फोगाट ने दावा किया कि लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर लगता था, महिला पहलवानों का वहां यौन शोषण होता था। लखनऊ के राष्ट्रीय शिविर में कई कोच और WFI अध्यक्ष ने भी महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। उन्होंने साफ किया कि उन्हें इस तरह के शोषण का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन विनेश फोगाट ने आरोप लगाए थे कि महिला पहलवानों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कोच पर भी आरोप लगाए, कहा कि कुछ महिलाएं WFI अध्यक्ष के कहने पर महिला पहलवानों से संपर्क करती। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ में उनके घर है, जिसके चलते वो वहां कैंप लगवाते जिससे लड़कियों का शोषण करना आसानी से हो सके। उन्होंने दावा किया कि बंद कमरे में महिला पहलवानों का शोषण होता था। जब बात सबूतों की आई तो उन्होंने कहा, हमारे पास सबूत भी हैं, कई ऐसी महिला पहलवान है जिस बात का समय आने पर खुलासा भी करेंगी। उन्होंने तब ये बात साफ कह दी थी कि हम चाहते हैं कि अब ऐसे बड़े जिन्होंने इनके पीछे की साजिश रची है उनको जेल भेजा जाए, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर ही आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन कोच को लेकर अभी तक नाम सामने नहीं उजागर हुए, लेकिन ये दावा किया कि कई कोच भी ऐसा करते हैं कैंप में, तो उनसे बचाने के लिए महिला पहलवानों को हम आज देश के सामने जंतर मंतर पर हम देश की बेटियां बैठे हैं। देखते हैं न्याय दिलाने के लिए कितने लोग सामने आते हैं, कितने देशवासी सामने आते हैं जो हमें न्याय दिलाते नजर आएंगे, जो इन बेटियों को न्याय दिलाएंगे, जो कुछ होता नजर आया। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कुछ कड़ा एक्शन रहता है पुलिस का, जाँच कमेटी का। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।